सो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जी वेडिंग जो अटेंड की है मैंने लास्ट 2 डेज एंड द एक्सपीरियंस वाज ऑसम एंड हियर इज़ द नेक्स्ट डे. और जी बनाया है मैंने चिकन पुलाव. सो ये थी बहुत ही मज़े की रेसिपी. स्टे ट्यून फॉर इट. अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली. वेलकम टू जी एस लाइफ स्टाइल. आई होप यू आर डूइंग ऑल ग्रेट टूडे. सो ऑफ कोर्स इट्स द मेहंदी डे और मेहंदी पे आप सबको पता है होता है बहुत हल्ला गुल्ला और किया. हम सब ने बहुत इंजॉय. सो देर आर मैनी परफॉर्मेंसेज जो थी बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड एंड वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड. सो वो ऑलमोस्ट थी बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड. तो मैं आपके साथ कर रही हूँ अ लिटिल शेयर एंड हियर इज़ द नेक्स्ट डे. और नेक्स्ट डे था जी वलीमा जो किया हमने अटेंड. सो कर रही हूँ मैं आपसे जी इसको भी शेयर अ लिटिल हाइलाइट्स ऑफ वलीमा एज वेल. सो ऑफ कोर्स लास्ट 2 डेज मेरे इन्हीं चीज़ों में बिजी गुजरे हैं एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग हो रही होती है. जब कोई इवेंट होता है तो आपको घर को भी देखना होता है एंड ऑफ कोर्स आपको रेडी भी होना होता है फॉर द इवेंट. सो ये था जी हमारा ब्राइड और ग्रूम का एक आपको अ लिटिल व्यू. सो नाउ आई शो यू द ऑल कंप्लीट डेकोरेशन. और ये थी जी हमारी ब्राइड एंड माशाल्लाह शी इज़ लुक सो गॉर्जियस. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड होम. और अब हम जा रहे थे जी घर की तरफ. सो हियर वी आर इन अ होम. सो दीज आर इंग्रेडिएंट्स. राइस को मैंने भिगो दिया है और ये है मेरे पास 1/2 kg राइस एंड चिकन है मेरे पास 1.5 kg. ऑनियन है, टोमेटोज हैं, लहसुन अदरक है एंड कुटी लाल मिर्च, नमक पिसी लाल मिर्च है और ये है हल्दी और ये है सारे खड़े गरम मसाले जिसमें दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग एंड तेज़पात और ये है ऑयल मेरे पास. सो अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं घी में भी इसे. सो चलें करते हैं अपनी वेजिटेबल कट. सो ऑफ कोर्स जब इवेंट होता है तो मोस्टली ये हो रहा होता है कि आप पहले कुछ कुकिंग कर लें और अगर सारे घर वाले जा रहे हों फिर वो दिन होता है आपका कुकिंग का कम्प्लीटली ऑफ. सो ऑफ कोर्स सारी फैमिली नहीं थी गई. सो आई मेक समथिंग फॉर होम एज वेल. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि लेट्स मेक द पुलाव. तो आज बन रहा है बहुत ही मज़े का चिकन पुलाव. सो स्टे ट्यून फॉर दिस यम्मी एंड वेरी ऑथेंटिक रेसिपी ऑफ पुलाव. सो आई टेक 1 onion और ये ले रही हूँ जी मैं 2 tomatoes. सो इनको कर लूँगी मैं स्लाइस. और ऑलमोस्ट जब भी ये मुझसे सब रिलेट करेंगे जा रहे होते हैं हम शादियों पे और कोई इवेंट आ जाए तो सबसे पहले लेडीज़ को तो हो रहा होता है कि क्या करना है, वेयर इट्स अ मेन थिंग. सो वो चीज़ होनी चाहिए कि जो आपने पहले ना वे की हो. ऑफकोर्स आपको अपनी सराउंडिंग्स हमेशा जो हैं वो देखनी पड़ती हैं कि आपको वही ड्रेस वहाँ आप रिपीट ना करें. ऑफकोर्स अगर आपका सोशल सर्कल हो ऐसा तो आपको रहना पड़ता है प्री मच कॉन्शियस. और एट द सेम टाइम अगर आए इतनी गर्मी में शादी तो इट्स प्री मच डिफ़िकल्ट टू डिसाइड कि क्या पहने जिसमें आप इजी भी रहें और इवेंट को भी करें इंजॉय. बट ऑफ कोर्स थोड़ा फैंसी ही वेयर करना पड़ता है. सो ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द इवेंट एंड प्लेस ही होना चाहिए आपको ड्रेस अप. सो यू लुक मोर गुड व्हाइल यू आर अटेंडिंग द वेडिंग. सो ये जी हम कर रहे हैं अब अपनी तैयारी. कटिंग हो गई है हमारी फिनिश. तो अब मैं आयरन कर रही हूँ जी ऑयल. ऑयल मैंने लिया था नॉट मच, इज जस्ट अबाउट 2-1 cup. एंड अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जी अपना 1 onion जो मैंने किया है स्लाइस. सो जो गर्ल्स होती हैं या जो वुमेंस होती हैं ना दे आर ऑलवेज कैपेबल. वो हमेशा जो है बहुत सर्दी भी हो या हो बहुत ज़्यादा गर्मी आप फैशन जो है वो अपना ख़राब नहीं कर रहे होते. हम लोग जस्ट इतनी सर्दी में भी जो है अगर कोई इवेंट अटेंड कर रहे हों तो हम बिल्कुल भी वो अपना ऊपर अपनी शॉल्स या अपनी कुछ भी स्वेटर नहीं करते बिकॉज़ कि जी हमारी लुक ख़राब हो जाएगी. और इवन गर्मी में भी जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तब भी आपको अकॉर्डिंग टू द इवेंट ही चलना पड़ता है. सो ये वाली जो है वो कैपेबिलिटी सिर्फ होती है जी हमारी वुमेंस में. ऑफ कोर्स द वुमेन पावर इज़ ऑलवेज देयर कि वो अपना फैशन बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं कर रही होती. तो ये ऐड ऑन कर दिया जी मैंने खड़ा गरम मसाला इसमें.
सो नेचुरली ये हो रहा होता है कि जो ख़वातीन होती हैं वो कभी भी बॉदर ही नहीं कर रही होती, बेशक बहुत सर्दी हो या गर्मी हो, दे ऑलवेज़ वॉन्ट टू लुक गुड. और सर्दी गर्मी उस वक्त फील ही नहीं हो रही होती, बिकॉज ऑफ़ कोर्स ख़वातीन को लगना होता है ख़ूबसूरत, और ख़ूबसूरत लगने के लिए आपको पता है कि फिर जो हैं वो ख़वातीन कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं. सो थोड़ा सा सर्दी और गर्मी को बर्दाश्त करना इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर अस. और आई थिंक ये वाली पावर अल्लाह ताला ने जो है बीइंग अ वूमन दी है टू रेजिस्ट ऑल द काइंड ऑफ वेदर अगेंस्ट योर फैशन, बिकॉज फैशन जो है जी वो नहीं ख़राब होना चाहिए. ऑफ कोर्स इफ़ यू आर लुकिंग गुड तो आपको करनी होती हैं पिक्चर क्लिक्स, और मोस्टली जो हैं वो हम लोग रेडी हो रहे होते हैं फॉर वेडिंग्स के जी हम पिक्चर्स बनाएंगे एंड ऑल दैट. बट ये शौक़ भी एक मोमेंट तक रहते हैं और करने चाहिए ये इंजॉय बिफोर शादी, बिकॉज जब आपकी शादी हो जाती है उसके बाद आपके बच्चे हो जाते हैं तो थिंग्स आर नॉट सेम. बट आई रियली सैल्यूट दोज गर्ल्स जो आफ्टर वेडिंग इवन आफ्टर किड्स वे दे आर लुकिंग सो गुड एंड गॉर्जियस एज वेल. सो आपको हमेशा रखना चाहिए अपना आप मेंटेन, और ऑफकोर्स उससे आपकी पर्सनैलिटी और इवन इट्स वेरी गुड फॉर योर किड्स एज वेल. उनका ब्रॉटअप बहुत अच्छा होता है जब वो आपको देखते हैं दैट यू आर लुकिंग सो गुड एंड मेंटेन. और जब आप होते हैं ना बहुत ज़्यादा मेंटेन तो आप ऑफकोर्स यू ऑलवेज पुट मोर एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर योर सेल्फ कि आप लगे और अच्छे. तो अपने आप को रखें मेंटेन, ऑफकोर्स ये रखा जाता है डाइट से एंड द सेल्फ केयर फॉर पैम्पर योर सेल्फ, और करें अपने आप को पैम्पर बिकॉज ऑफकोर्स यू आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ. और अपने आप को दें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस, बिकॉज़ अगर आप अपने आप को ख़ुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो नो वन गिव यू एज मच इम्पोर्टेंस. यू आर द मोस्ट प्रीशियस थिंग. तो मैं तो सब जो हैं औरतें उनको यही पैगाम देती होती हूँ हमेशा कि अपने आप को दें बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस, बिकॉज़ आपकी प्रेफरेंस ही जो है वो आपको करेगी एडमायर टू फ्लरिश. एंड ट्रस्ट मी आप करते हैं बहुत अच्छा फील व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ एज वेल, बिकॉज ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम आप घर वालों के लिए बहुत कुछ कर रही होती हैं. बट दें अपने आप को भी क्वालिटी टाइम एंड द रिजल्ट कम आउट सो वेल, और आप खुद करेंगे बहुत अच्छा फील एंड अ वेरी सेटिस्फाइड फील. जिस तरह के हम नमाज पढ़ के करते हैं, हमें बहुत होती है बीइंग अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फेक्शन कि हमने नमाज अदा कर दी है या हम 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं. इसी तरह सेकेंडली दें आप अपने आप को प्रायोरिटी, बिकॉज अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देंगे ट्रस्ट मी नो वन गिव यू एज मच, और कोई दे भी नहीं सकता, बिकॉज ऑफ कोर्स टाइम कहते हैं वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता, टाइम हैज़ टू बी चेंज और वक्त ने बदलना होता है. पर इंसान वो है जो हर टाइम के साथ हर वक्त के साथ अपने आप को रखे अप टू डेट और रहे मेंटेन, और अपनी सेल्फ केयर इवन योर पर्सनैलिटी ग्रूम करे विद द पैसेज ऑफ टाइम, अपने आप को करे चेंज अकॉर्डिंग टू द एज एंड अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ एज इन विच यू आर. और ऑफ कोर्स यही चीज़ आपके किड्स की भी ब्रॉटअप के लिए बहुत ज़रूरी है. सो ये बातों बातों में जी मैंने इसमें ऐड कर दिया था टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन डाल के कर लिया सौते, और अब मैं ऐड कर रही हूँ जी ऑलमोस्ट सारे मसाले जिसमें नमक मिर्च हल्दी कुटी लाल मिर्च जो है वो हो चुकी है इस पॉइंट पे जी हमारी इस चिकन में ऐड ऑन, और अब हम कर लेंगे इसकी भुनाई. सो बातों बातों में देखें कि हमारा खाना भी हो गया जी रेडी. सो हम बात कर रहे थे ग्रूमिंग की, और ग्रूमिंग आप ज़रूर लें इफ़ यू वांट टू टेक द सेशन फॉर ग्रूमिंग. सो गो देयर एंड टेक द सेशन. अगर आप थोड़ा हेजिटेट फील करते हैं और आप टॉक्टिव नहीं हैं और यू आर नॉट एबल टू सिट विद द मेजॉरिटी ऑफ पीपल एंड डोंट रेज योर पॉइंट ऑफ व्यू तो इट्स मीन यू हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. तो इस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आप ग्रूमिंग सेशंस ले सकते हैं, आप थोड़ी काउंसलिंग ले सकते हैं. बट ऑफ कोर्स यू शुड बी गुड इन ऑल इट, बिकॉज आपको देख के ही आपके किड्स जो होते हैं कॉन्फिडेंट, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पे माओ में. सो आजकल जी सब हैं अप टू डेट और एवरीवन इज़ अवेयर. सो ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग
टू योर पर्सनैलिटी, इफ़ यू आर लिटल सप्रेस्ड तो अपने आप को करें जी बूस्ट वाइल टेकिंग एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग और एनी थिंग जो आपको लगे ईजी, बिकॉज दिस इज़ द मस्ट थिंग वेन यू आर सिटिंग इन सम काइंड ऑफ गैदरिंग. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, लुक गुड, और ट्रस्ट मी जब आप अच्छे लगेंगे तो कॉन्फिडेंस आप में खुद बा खुद आ जाता है. दैट्स वाई मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कि आपको अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना चाहिए, आपको अपने इनर पे वर्क करना चाहिए, नॉट ओनली द आउटर. बिकॉज समटाइम्स लिटरली ये हो रहा होता है कि कई लोग देखने में लग रहे होते हैं बहुत अच्छे, बट स्टिल व्हेन दे आर क्वाइट, जब वो करते हैं बात तो ऑफकोर्स तब इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है. तो समटाइम आप पर्सनैलिटी से ऑफकोर्स जज कर लेते हैं कि द पर्सन इज़ लुकिंग सो गुड सो लेट्स टॉक विद हर और हिम, बट इन द केस के समटाइम लोगों के एक्सेंट्स एंड वे ऑफ टॉकिंग इवन द पॉइंट ऑफ व्यू आपको नहीं अच्छा लग रहा होता, सो वो हो जाता है जी ब्लंडर व्हेन यू टॉक. सो ऑफकोर्स आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप प्रेजेंटेबल भी इतने लगें, एंड इवन व्हेन यू टॉक यू लुक मोर गुड एंड मोर सोफिस्टिकेटेड एंड एजुकेटेड. तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए बहुत अच्छी बैलेंस, बिकॉज इट्स नॉट अ थिंग कि आप सिर्फ जो है अपने आउटर पे वर्क करें और अपना इनर जो है वो बिल्कुल फॉर ग्रांटेड छोड़ दें. बिकॉज मोस्टली अगर आपका इनर अच्छा है, आपका अंदर अच्छा है, तो वो आपके जो है रिफ्लेक्ट करता है आपके आउटर पे, और इट्स रियली गिव अ वेरी सॉलिड इफेक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी के जब आपका इनर हो अच्छा. और ये जी लग गया हमारे चावलों को दम फॉर 30 to 35 minutes, और ये हो गए थे रेडी. सो विद अ गुड मैसेज हमारा पुलाव हो गया रेडी, एंड ट्रस्ट मी सो यमी. और अब मैंने कर दिया जी इसमें सैलेड एरॉन, और इट्स अ मच ट्राई रेसिपी और बहुत ही मज़े की ये होती है तैयार. और देखें कि कितना है चावल खिला खिला. सो इसको बनाएं और करें ट्राई, और अपनी दावतों पे और अपने दस्तरखान पे लगाएं चार चांद. और देर इज़ द पुलाव जो आप आंखें बंद करके बना सकते हैं फॉर द सेम रिज़ल्ट एज ऑलवेज. लगा है आपको कैसा दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, और रखिएगा दुआओं में याद मुझे. इफ़ यू लाइक माई रेसिपी सब्सक्राइब माई चैनल, गिव मी अ थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन.